और कब कैनन के DSLR के अंदर फेज डिटेक्टिव सिस्टम एक्टिव रहता है और कब आपको DPF सेंसर की सपोर्ट मिलती है और इन दोनों AF सिस्टम को किस तरह से एक्सेस करें, कब कब आपको इसकी एक्सेस मिलती है और किस तरह से आप इसको अपने फायदे के लिए यूटिलाइज कर सकते हो जब आपको वेलकम फ्रेंड्स टू धनी कैमरा डॉट कॉम चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कैनन के डुअल AF सिस्टम के बारे में। अब ये मत कंफ्यूज हो जाना कि मैं सिर्फ DPF के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ DPF और फेस डिटेक्ट AF सिस्टम, इन दोनों AF सिस्टम के बारे में जो कैनन के जिस भी DSLR के अंदर DPF सेंसर रहता है ये दोनों AF सिस्टम पैरेलली एग्जिस्ट करते हैं। बट हाँ, जो भी इसके यूज़र हैं काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं इन AF सिस्टम के बारे में, इवन कई यूट्यूबर्स जो वीडियो डालते हैं इनके कंपैरिजन से रिलेटेड वो इतना क्लियर नहीं बताते हैं, इवन दे आर कंफ्यूज्ड, आई डोंट नो। ये वीडियो देखना आपको बेहद ज़रूरी है क्योंकि इसमें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से कैनन के DPF सेंसर बेस्ड DSLRs के अंदर AF सिस्टम काम करती है और कब कैनन के DSLR के अंदर फेज डिटेक्ट AF सिस्टम एक्टिव रहता है और कब आपको DPF सेंसर की सपोर्ट मिलती है और इन दोनों AF सिस्टम को किस तरह से एक्सेस करें, कब कब आपको इसकी एक्सेस मिलती है और किस तरह से आप इसको अपने फायदे के लिए यूटिलाइज कर सकते हो जब आपको DPF की जरूरत है, आपने DPF यूज़ करा, जब आपको फेस डिटेक्ट यूज़ करना आपने फेस डिटेक्ट यूज़ करा, तो इस वीडियो को आप देखोगे शुरू से एंड तक तो बहुत आपको क्लियरेंस मिल जाएगी, एक आइडिया आ जाएगा आपको कि किस तरह से ये दोनों AF सिस्टम कैनन के DSLRs के अंदर काम कर रही है। And now let's move into the content. But before that, अगर आप नए हो हमारे चैनल में, do consider subscribing to our channel. और वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता हुआ फील हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं दो डिफरेंट AF सिस्टम की, जो ऑफकोर्स आपको कैनन के DSLR स्पेसिफिकली जो कैमरे जिसमें DPF सेंसर है उसमें दिखने वाला है। इनिशियली जब भी आप कैमरे को ऑन करते हो, यहाँ पर हम 200D Mark II कैमरे का एग्जांपल ले रहे हैं, तो जब भी आप कैमरे को ऑन करते हो तब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक दूसरे बॉडी के साथ, तब आपकी जो मिरर की पोजीशन है आप देख सकते हो स्लैंटेड रहती है। जब भी आपने ऑन किया तब जब स्लैंटेड मिरर रहती तब आपकी एक पोर्शन जो लाइट की सामने से एंटर करती है लेंस के थ्रू वो रिफ्लेक्ट होकर व्यू फाइंडर में जाती है और एक पोर्शन लाइट की नीचे फेज AF मॉड्यूल पर जाती है। इन बातों को थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा, सुनिएगा, तब आपको क्लियर डिफरेंस पता चलेगा DPF और फेज डिटेक्ट AF सिस्टम के बारे में। बट जब आप लाइव व्यू या आप इसे वीडियो मोड में स्विच करते हो, जब मैंने इस कैमरे को वीडियो मोड में स्विच करा तो क्या होता है कि इसकी जो मिरर होती है वो फ्लिप अप हो जाती है और जो भी सेंसर की ऑटो फोकसिंग सिस्टम की दारोमदार है वो अपने सेंसर पे आ जाती है, यानी कि आपकी DPF सिस्टम अब एक्टिव हो चुकी है। इन अ सिमिलर वे, अगर आपका कैमरा सिर्फ नॉर्मल ऑन पोजीशन पे है और आपने ऑन पोजीशन पर डिस्प्ले मोड को दाब दिया, वही सेम चीज़ होती है कि आपकी जो AF सिस्टम है वो अगेन सेंसर पर चली गई। बट जब आपका डिस्प्ले एक्टिव नहीं रहता है तब आपका जो मिरर है वो स्लैंटेड पोजीशन में रहता है, उस समय आपके कैमरे की ट्रेडिशनल फेज डिटेक्ट AF सिस्टम ऑन रहती है। और इस समय आप देख सकते हो क्योंकि ये 200D Mark II कैमरा है तो इसमें 9-point फेज डिटेक्ट AF सिस्टम एक्टिव है और इस समय आप आराम से इसके व्यू फाइंडर के थ्रू देख सकते हो, व्यू फाइंडर के थ्रू इस समय आपको विजिबिलिटी दिखेगी। बट जैसे ही आपने इसके लाइव व्यू डिस्प्ले को ऑन करा, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, लाइव व्यू डिस्प्ले ऑन करने का मतलब है मिरर को अप कर देना, तब सेंसर के थ्रू सारी लाइट आ रही है, डिस्प्ले के थ्रू आप देख रहे हो और व्यू फाइंडर कम्प्लीटली ब्लॉक हो चुका है, इसमें कुछ भी विजिबिलिटी अभी नहीं है। तो आपको ये समझना है कि जो ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड कब एक्टिव रहता है आपके कैमरे में, जब आपका जो मिरर है वो इन द सेंटर स्लैंटेड पोजीशन में रहता है। स्लैंटेड पोजीशन में जब आपका मिरर रहता है तब एक पोर्शन जो है लाइट की वो व्यू फाइंडर को भेजता है जिससे हम अपने सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं और एक पोर्शन जो लाइट की रहती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको पता है ट्रेडिशनल DSLRs में फेज AF मॉड्यूल रहती है। फेज AF मॉड्यूल
जितनी भी नंबर ऑफ एएफ पॉइंट्स का रहेगा उतनी एएफ पॉइंट्स आपको डिस्प्ले में एक्सेसिबल रहेगी। 850D है तो थोड़ी ज़्यादा, 90D है उस हिसाब से आपकी एएफ पॉइंट्स यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। तो मेरे हिसाब से अब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं कि किस तरह से डुअल एएफ सिस्टम इन डीएसएलआर में काम करती है। जब आप अपने व्यू फाइंडर के थ्रू शूट कर रहे हो, व्यू फाइंडर जब आपका एक्टिव है तब आपको ट्रेडिशनल एएफ सिस्टम का एक्सेस मिलना है। जब आपने डिस्प्ले ऑन करा तब आप देखोगे व्यू फाइंडर ब्लॉक हो गया और जितनी भी डिस्प्ले की एक्टिविटी अब आप सेंसर के थ्रू देख रहे हो, और सेंसर में जैसे आपको पता है डीपीएफ पॉइंट्स एक्टिव हो गए हैं। यहाँ पर आपको फेस और 3D ट्रैकिंग ये सारी चीज़ें मिलनी हैं जो कि डीपीएफ में रहती है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर आपने बहुत ही क्लियरली समझ लिया होगा, जब मिरर स्लैंटेड पोजिशन में रहता है तब ट्रेडिशनल आपकी एएफ सिस्टम एक्टिव रहती है। जब भी मिरर फ्लिप अप होता है इधर वीडियो मोड में या स्टिल शूटिंग के लाइव व्यू मोड में, तब आपकी डीपीएफ सिस्टम एक्टिव हो जाती है क्योंकि जो लाइट है वो आपके सेंसर में डायरेक्टली पड़ रही है। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि किस वक्त आपकी डीपीएफ सिस्टम एक्टिव रहती है और किस वक्त आपकी जो ट्रेडिशनल एएफ सिस्टम है वो एक्टिव रहती है। मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि कभी भी आपको इमेजेस खींचनी है अपने कैमरों से तो हमेशा लाइव व्यू के थ्रू खींचो, क्योंकि उस समय आपको अपनी डीपीएफ सिस्टम का सपोर्ट मिलता है, ना कि व्यू फाइंडर के थ्रू, क्योंकि व्यू फाइंडर में आपको काफ़ी लिमिटेड ट्रेडिशनल 9 पॉइंट एएफ सिस्टम का ही सपोर्ट मिलता है। सो इट बेटर टू यूज़ द डीपीएफ सिस्टम। डीपीएफ सिस्टम में जैसे आपको पता है कि 200D Mark II कैमरे में मोर देन 3000 एएफ पॉइंट्स है और उतने ही एएफ पॉइंट्स आपके 850D कैमरे में भी है। आई होप ये वीडियो में आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज एंड रूमर्स।